नमस्कार। देश की बात में हाजिर है। देश की राजधानी दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है। संसद का मानसून सत्र तो चल ही रहा है, मुद्दों पर राजनीतिक गर्माहट के बीच ये बार बार स्थगित भी हो रहा है। मजबूत चुनौती देने के लिए विपक्ष एकजुट होने की पूरी कोशिश में है। साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी की केंद्र सरकार को अपने ही दम पर चुनौती देती हुई भी दिख रही है। संसद में पेगासस जासूसी मामले में विपक्ष ने चर्चा की मांग की और जमकर हंगामा भी किया, जिसके बाद संसद स्थगित हो गई। इसी मसले पर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी के साथ 14 अन्य राजनीतिक दलों ने बैठक की और प्रेस के सामने अपने मुद्दे भी रखे, लेकिन ना ही ममता बनर्जी इसमें शामिल हुई और ना ही उनकी तरफ से कोई नुमाइंदा पहुंचा था। ममता दिल्ली के दौरे पर हैं। उन्होंने आज कुछ पत्रकारों से मुलाकात भी की। उन्होंने कहा केंद्र सरकार पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि अब पूरे देश में खेला होबे, 7 अगस्त को हम इसे सेलिब्रेट करेंगे। आज पार्लियामेंट में हुआ जो, वो अब पूरे देश में होगा। बीजेपी फेक न्यूज चलाकर कामयाब हो जाती है, लेकिन अब लोग समझ रहे हैं। तो आज उनकी कुछ देर पहले कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात हुई है। बताया जा रहा है इस बैठक में राहुल गांधी भी शामिल थे। और उसके बाद बाहर आकर इस मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा है कि जो बातचीत हुई सकारात्मक मुलाकात थी। बीजेपी को हराने के लिए सबको एक होना जरूरी है। पेगासस का जवाब देना चाहिए सरकार को और जनता को जानने का हक संसद में है। और आपको बता दें कि इस समय शाम के 6 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात हो रही है, तो उस पर भी हम आपसे आपको जानकारी देंगे। लेकिन पहले सीधे चलते हैं हम हिमांशु शेखर मिश्रा के पास, जो लगातार ममता बनर्जी को फॉलो कर रहे हैं। हिमांशु, तो जो आज ममता बनर्जी की मुलाकात हुई, अभी सोनिया गांधी से हुई, कुछ देर में अरविंद केजरीवाल से होने वाली है, उन्होंने कहा है आज के शुरुआत में कि पूरे देश में खेला हो गए, तो वो अपने आप को क्या विपक्ष के तौर पर और शीर्ष नेतृत्व के तौर पर पेश कर रही हैं? देखिए, ममता बनर्जी सक्रिय होंगी, ये बात उन्होंने बहुत साफ कर दिया है कि वो चाहती हैं कि न सिर्फ कांग्रेस बल्कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उन सबको एक ही मंच पर आना होगा, और जिससे अगर वो बीजेपी को चुनौती देना चाहते हैं। और आज सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर बीजेपी को हराना है तो विपक्ष को एकजुट होना होगा। लेकिन सवाल वही है कि विपक्ष को कैसे एक मंच पर लाया जाए, क्योंकि बहुत तरह के अंतर विरोध हैं अपोजिशन खेमे में भी। आज भी देखिए, जो 14 पार्टियों की बैठक हुई थी उसमें तृणमूल कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। और आज जब वो मीडिया के एडिटर से बात कर रही थी तो मैंने उनसे पूछा था यह सवाल कि तृणमूल कांग्रेस ने जो विपक्ष के नेताओं की जो बैठक थी संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले, उसमें आपने क्यों नहीं भाग लिया? तो उन्होंने कहा कि इस बैठक की सूचना हमें नहीं दी गई थी। तो बहुत सारे इश्यूज पर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। ममता बनर्जी ने आज बहुत सारे जो मुश्किल सवाल उनसे पूछे गए, इस पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया गया। उनसे पूछा कि क्या फेस कौन होगा, विपक्ष का नेतृत्व कौन कर सकता है, किसमें कौन ज्यादा सक्षम है। उन्होंने कहा, देखिए इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। क्या आपको लगता है सभी विपक्षी दल एक मोर्चे एक मंच पर आ सकते हैं? उन्होंने कहा कि संसद का सत्र खत्म होने के बाद मैं चाहती हूं कि विपक्ष के नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक हो, और जो शुरुआती तौर पर जो अगले 5 विधानसभा चुनाव हैं अगले साल, उसमें वो चाहती हैं कि विपक्ष जो है वो एक साझा अभियान तैयार करे बीजेपी को रोकने के लिए, और इस दिशा में वो खुद पहल करने को तैयार है। उन्होंने कहा सोनिया गांधी भी चाहती हैं कि विपक्ष एकजुट हो, मैं भी चाहती हूं कि विपक्ष को एक ही मंच पर लाया जाए, लेकिन इसको कैसे किया जाए, इसका नेतृत्व किसको दिया जाए, कमान किसके पास हो, वो मंच कैसे तैयार किया जाए, मुद्दे क्या हो जिस पर हम ज्यादा से ज्यादा दलों को जोड़ सकते हैं, इस पर मैं संसद सत्र खत्म होने के बाद ही कुछ कह पाऊंगी। बिल्कुल, ये बहुत अहम है कि कमान कौन संभालेगा, क्योंकि आज जो बैठक थी 14 दलों की, उसमें राहुल गांधी थे और एक तरह से अगुवाई कर रहे थे। भले ही तृणमूल को इस बैठक के बारे में कहा गया नहीं पता था, लेकिन नुमाइंदा भेजा जा सकता था, इससे एक ठोस विपक्ष की तस्वीर नजर आती। बहरहाल ऐसा नहीं हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। और हम आगे बढ़ते हैं। पेगासस जासूसी मामले को लेकर आज 14 राजनीतिक दल एकजुट हुए, बैठक की, मार्च की और विजय चौक पर पत्रकारों से बात भी की। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा है, हमारी आवाज संसद में दबाई जा रही है, हम इस मसले पर चर्चा चाहते हैं क्योंकि ये लोकतंत्र की आत्मा पर चोट है और इसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, जासूस ये पता कर सकते हैं कि हमारी सेना कहां डिप्लॉय की जा रही है।
शिवसेना ने कहा कि चर्चा से हम नहीं सरकार भाग रही है। एनसीपी की सुप्रिया सूले ने कहा कि मंत्री ही नहीं उनकी पत्नी और बच्चों तक की जासूसी हुई। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा है कि यह आईटी मिनिस्ट्री का नहीं राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, इसलिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की मौजूदगी में इस पर चर्चा हो। लगभग सभी विपक्षी नेताओं ने सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक आत्मा पर चोट मारी, इसीलिए हम पेगासस पे डिस्कशन चल रहा है। जनरल कहाँ मूवमेंट कर रहे हैं, हमारा आर्म्स अम्यूनिशन कहाँ डिप्लॉय हो रहा है, हमारी कितनी सेना कहाँ है, ये अगर सॉफ्टवेयर के जरिए सारी दुनिया में सुनी जाती है तो हम सुरक्षित कहाँ। इस जासूसी में कोई नहीं बचा, कोई संस्थान नहीं बचा, जजेस नहीं बचे, सेना के अधिकारी नहीं बचे, पत्रकार नहीं बचे, विपक्ष के नेता नहीं बचे, सरकार के मंत्री नहीं बचे। इन्होंने तो नेशनल सिक्योरिटी तो कॉम्प्रोमाइज की भी, लेकिन खुद के मंत्रियों के बीवी बच्चों तक का नहीं छोड़ा। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर और फार्मर्स एक्ट के ऊपर हम एक साथ रहेंगे। गृह मंत्री या प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में विशद चर्चा हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। और अब बीजेपी खेमे से खबर है। आज रात 8 बजे राजधानी दिल्ली में उत्तर प्रदेश के सांसदों की बैठक होने जा रही है। कल भी ये बैठक होगी। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए हो रही है ये बैठक। आज आ रहा है, इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। आज ब्रिज पश्चिमी उत्तर प्रदेश कानपुर क्षेत्र के सांसदों की बैठक होगी और कल अवध, काशी और गोरखपुर, और बताया जा रहा है इसमें राज्य स्तर के प्रभारी भी शामिल होंगे और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। और इस पर अधिक जानकारी के लिए आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी अखिलेश शर्मा के पास। अखिलेश, तो जो ये बीजेपी के उत्तर प्रदेश के सांसदों की बैठक होने जा रही है, इसे कितना महत्वपूर्ण माना जाए और ये दिल्ली में क्यों हो रही है, यूपी में, लखनऊ में क्यों नहीं? देखिए, चूंकि सारे सांसद संसद सत्र के दौरान दिल्ली में मौजूद हैं, इसीलिए यहाँ पर यह बैठक करने का फैसला किया गया है। 2 दिन तक ये बैठक होगी। आज पहला इसका पार्ट है और कल दूसरा इसका भाग होगा। आज की जो बैठक हो रही है, इसमें जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, मथुरा है और अवध का जो क्षेत्र है, उसके सांसदों को बुलाया गया है। कल जो बैठक होगी उसमें काशी और ब्रिज के जो क्षेत्र है उनके सांसदों को बुलाया जाएगा। इसमें मुख्यतः बात ये हो रही है कि जो आने वाले विधानसभा के चुनाव हैं, उसके लिए सांसदों से फीडबैक लिया जाएगा। इसमें खास बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहेंगे, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इसमें मौजूद रहेंगे, और साथ ही जो सांसद हैं उनसे अपने अपने विधायकों का भी फीडबैक लिया जाएगा कि उनके संसदीय क्षेत्र में जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं वहाँ पर बीजेपी के जो विधायक हैं उनका काम किस तरह का रहा है, क्या उन्हें दोबारा टिकट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इस पर उनकी क्या राय है, ये भी फीडबैक लिया जाएगा। तो इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल अखिलेश, और मैं आपसे पर्दे के पीछे की राजनीति भी समझना चाहूंगी। इसमें योगी आदित्यनाथ होंगे और राज्य के जो तमाम बीजेपी के प्रभारी हैं वो लोग भी शामिल होने वाले हैं, लेकिन जो एक मैसेजिंग है, क्योंकि अगर ये लखनऊ में होती तो वैसे भी यहाँ के भी सांसद जुड़ सकते थे, तो वो क्या संदेश दे रहा है उत्तर प्रदेश की जनता को? देखिए, संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी के मन में नेतृत्व को लेकर कहीं कोई दुविधा नहीं है। बीच में जो खबरें आई थी वो सारी खबरों को दरकिनार कर दिया गया है। बीजेपी योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। चाहे सारे सांसद, उनको भी संदेश बिल्कुल साफ साफ दे दिया जाएगा कि उनको योगी की ही बात माननी होगी। हमने देखा था निधि, किस तरह से जब दूसरी लहर का कहर था तब कई बीजेपी के सांसदों ने खुलकर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी कि राज्य सरकार से उन्हें पर्याप्त सहयोग नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में कोई भी शिकायत का मौका ना हो, नेतृत्व को लेकर कोई दुविधा ना हो, साथ ही जो मुद्दे जिनको लेकर के बीजेपी उतरना चाहती है उनको लेकर के भी स्पष्टता हो, ये सारी बातें और ये सारा संदेश देने के लिए ये 2 दिन की बैठक दिल्ली में बुलाई गई है। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव में बीजेपी का खेल खराब करने के लिए भारतीय किसान यूनियन कमर कस रही है। मिशन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की शुरुआत मुजफ्फरनगर के 5 सितंबर की महापंचायत से की जाएगी। एक रिपोर्ट। कृषि कानूनों की वापसी के मुद्दे पर 8 महीने से गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे राकेश टिकैत अपने कार्यकर्ताओं को लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहने को कह रहे हैं। 3 दिन पहले वो लखनऊ जाकर उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने की बात भी कह चुके हैं।
हालांकि बीजेपी के खिलाफ किसी पार्टी को समर्थन देने या खुद सीधे तौर पर चुनाव लड़ने की बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन भारतीय किसान यूनियन की अपनी रणनीति है। राज्य के 18 मंडलों में बड़ी किसान सभाएं होंगी। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत होगी। 30 सितंबर तक हर जिले में किसान सम्मेलन करवाया जाएगा। गांव-गांव में कृषि कानूनों के खिलाफ जागरूकता अभियान चलेगा और पंफलेट बंटवाए जाएंगे। बीजेपी के उम्मीदवारों को हराने की अपील की जाएगी, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं किया जाएगा। हालांकि किसान नेता अभी भी अपने पूरे पत्ते नहीं खोल रहे हैं। चुनाव के बारे में सर क्या बातचीत भाई? चुनाव के बारे में होगी नहीं होगी? अब तो 5 तारीख, उसके भी 40 दिन है अभी, उस मीटिंग के भी 40 दिन बाद में बताएंगे क्या क्या इशू हो सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तराखंड के तराई इलाकों में रहने वाले सिख किसान भी करीब 14 विधानसभा सीटों पर असर रखते हैं। किसान यूनियन यहां भी बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि भारतीय किसान यूनियन उत्तरांचल के भी 2 मंडलों में बड़ी किसान पंचायत करने की तैयारी कर रही है। धीरे धीरे पहाड़ पर भी किसान आंदोलन पहुँच रहा है और भारतीय जनता पार्टी को जो नेतृत्व परिवर्तन करना पड़ा है उत्तराखंड में, कहीं ना कहीं वो स्ट्रेटजी है कि किसान आंदोलन के प्रभाव को किसी तरीके से मैनेज किया जाए। तो उधम सिंह नगर से ही मुख्यमंत्री बना दिया, उधम सिंह नगर से ही 2 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। हालांकि किसान आंदोलन में डैमेज कंट्रोल करने के लिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी भी अब अपने सांसदों से लेकर RSS के कैडर तक को सक्रिय कर रही है। दिल्ली की इस बारिश ने भले ही गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के तंबुओं को भारी नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन आगामी उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ राकेश टिकैत झंडा बुलंद करना चाहते हैं। अब वो भले ही 2 बार चुनाव लड़कर हार चुके हों, लेकिन बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की पूरी रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। गाजीपुर बॉर्डर से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। देश के 2 राज्यों असम मिजोरम बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है और इस बीच दोनों राज्यों के गृह सचिव और DGP को दिल्ली तलब किया गया। हिंसा में घायल असम के एक और जवान की मौत हो गई है। फिलहाल असम मिजोरम सीमा पर किस तरह के से CRPF मौजूद है, ऐसे कुछ इलाकों में हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी पहुंचे, देखिए वहां की स्थिति। सोमवार के हिंसा के बाद अब असम मिजोरम बॉर्डर में शांति है और शांति की बहाली के लिए सेंट्रल फोर्सेस CRPF मौजूद है। हम इस वक्त है कुलीछरा में, जो कि असम के कछार जिले में पड़ता है, और यहाँ पे देखिए ये एक स्टॉप बोर्ड लगाया गया है, इसके आगे कोई नहीं जा सकता है। ये ऐसे बहुत सारे जगह हैं असम मिजोरम सीमांत में, बराक वैली क्षेत्र में, जहाँ पे कि 3 जिले हैं बराक वैली क्षेत्र में, करीमगंज, हैलाकांदी और कछार, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे कि पिछले 2 सालों में छोटे छोटे फ्लेयर अप हुए हैं, या फिर टसल हुई है, या फिर कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर जो 2 राज्य हैं वो दोनों ही इन इलाकों को क्लेम करते हैं, और उस इलाकों में अब न्यूट्रल फोर्स के हिसाब से CRPF है। आगे हम देख सकते हैं ये एक गांव का रास्ता है और सामने बैरिकेडिंग भी की गई है, एक ब्रिज है, और उस ब्रिज के उस तरफ ऐसे तो असम के गांव हैं, मगर मिजोरम भी इस इलाके को क्लेम करती है। तो ये जो क्लेम और काउंटर क्लेम है, इससे ये जो सीमा का मुद्दा है, बॉर्डर का मुद्दा है, ये पिछले कई सालों से, कई दशकों से चलता आया है, कोई रेजोल्यूशन नहीं हो पाया है, और जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट हुई है अब CRPF सेंट्रल फोर्सेस है, और वहाँ पे जो नॉर्मल मूवमेंट है इसको रोक दिया गया है, इस तरह की बैरिकेडिंग की गई है ताकि लोग एक दूसरे के सामने नहीं आ पाए, इससे कॉन्फ्लिक्ट ना हो। मगर ये शायद एक टेम्पररी सोल्यूशन है, एक परमानेंट सोल्यूशन, एक परमानेंट हल के तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और अब देखना ये पड़ेगा कि केंद्र सरकार किस तरह से दोनों राज्य को एक साथ लेके ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इसको एक परमानेंट सोल्यूशन की तरफ आगे लेके जा पाए। कुलीछरा से कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ रत्नदीप चौधरी, NDTV इंडिया। और अब खबर है बिहार से। बिहार विधानसभा में के चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान विपक्षी दलों के विधायक बहुत बड़ी संख्या में हेलमेट पहनकर आते हैं, जिसमें मीडिया में खूब चर्चा हो रही है। दरअसल ये विधायक इस साल विधानसभा परिसर में पुलिस के हाथों अपनी पिटाई के बाद
कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सोमवार को जब से बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हुआ है, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक सतीश दास अपनी एसयूवी में बैठकर आते हैं, लेकिन हेलमेट पहनकर। 23 मार्च को बजट सत्र के दौरान हंगामे को वो इसकी वजह बताते हैं। जो कार्रवाई सरकार ने की है वो खोदी पहाड़ निकली चूहिया वाली कार्रवाई है, और सरकार हम लोग की सुरक्षा की गारंटी करने में विफल है, इसलिए हम लोग हेलमेट पहन कर के आए हैं कि किसी भी परिस्थिति में हेलमेट है जरूरी, नहीं तो होगा हेड इंजुरी। विधानसभा परिसर में अलग अलग मुद्दों पर प्रदर्शन कर रहे इन विधायकों से जब पूछा गया कि कब तक हेलमेट पहने रहेंगे, तो उनका जवाब कुछ ऐसा था कि लगातार विधायकों के ऊपर जो हमला हुआ है विधानसभा के अंदर, लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र का हत्या, बिहार में बहार है और सिर फोड़वा सरकार है। जब तक हम लोगों की मांगे पूर्ति नहीं होगी तब तक हम लोग बिहार विधानसभा के बाहर ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहे। हालांकि इस मुद्दे पर बहस कराने के लिए सदन के अंदर विपक्ष अड़ा है, और विधानसभा अध्यक्ष ने भी विपक्ष के विधायकों के दबाव में आखिरकार बुधवार को इस मुद्दे पर बहस कराई, लेकिन विधायकों का अपना रोना है। डर है हम लोगों को कि किसी समय ये लोग सिर फोड़ सकते हैं, सिर फोड़वा सरकार है, और हम लोग का है जी किसी मांग है जी किसी दोषी जो जितने भी पदाधिकारी उन पर कार्रवाई किया जाए, लेकिन सभी को बचाया जा रहा है। ये किसने ऑर्डर दिया कि विधायकों को गाली दो और जूते से मारो और बाहर ले जाके फेंको? सबसे पहले अधिकारियों को दंडित करे, कठोर सजा दे। बिहार का उन्नति तरक्की कैसे हो इस पे हम लोगों को बात करना है, इसलिए हम चाहते हैं कि कम से कम हेलमेट लगा के तो ना आए। विपक्ष के विधायकों को डर है कि कहीं कार्रवाई के नाम पर कहीं उन्हें सदन से निलंबित ना कर दिया जाए। कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और देश की बात में आगे, देश में बढ़ रहे हैं फिर से कोरोना के मामले। पिछले 20 दिनों में सबसे ज्यादा मामले सामने आए, साथ ही टीका केंद्रों में टीका मिलना आसान अब भी नहीं। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से पांव पसारने लगे हैं। पिछले 20 दिनों में बुधवार को सबसे ज्यादा मामले सामने आए, 50% केरल से और 30% मामले महाराष्ट्र और उत्तर पूर्व के राज्यों से हैं। दूसरी लहर के दौरान 4 लाख से गिरकर रोजाना 1 लाख मामलों के आंकड़े आने तक 37 दिन लगे थे, लेकिन अब 51 दिनों से रोजाना मामलों के आंकड़े 40,000 के आसपास थम से गए हैं। आखिर क्या वजह है कि मामलों की रफ्तार घट नहीं रही? कोरोना की दूसरी लहर बरकरार है, केरल, महाराष्ट्र और उत्तर पूर्व के राज्य सबसे ज्यादा चिंता का सबब बने हुए हैं। दूसरी लहर के दौरान जिस तरह शुरुआती दिनों में मामले गिरते नजर आए, वो रफ्तार अब थम सी गई है। रोज के 4 लाख के मामलों से घटकर 2 लाख तक पहुंचने में 26 दिनों का वक्त लगा, 2 लाख से 1 लाख तक आने में 11 दिन और 1 लाख से 50,000 का आंकड़ा 20 दिनों में। पर अब पिछले 31 दिनों से 30,000 से 40,000 के बीच मामले हैं। सोशल गैदरिंग ये एक रीजन है, कहीं भी हो सकता है सोशल गैदरिंग। तो जैसे उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा बंद कर दिया था, और ईद के बारे में भी हमने वो टाइम गवर्नमेंट को चेतावनी दी थी कि इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए, लेकिन वो उन्होंने उनका डिसीजन ले लिया है स्टेट ने। ये एक तरह की चेतावनी है। सेकंड वेव में ऐसे हो गया था, हम सभी जगह सोच रहे थे, और अचानक 15 दिन के अंदर हमने उसका 2 लाख 3 लाख का पीक देख लिया, तो अभी तीसरी वेव आने की आशंका है। बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक 80% मामले केरल, महाराष्ट्र और उत्तर पूर्व के राज्यों से हैं, इसमें 50% केरल से। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केरल की 66% आबादी अभी संक्रमण से बची हुई है। राज्य में कंटेनमेंट स्ट्रेटजी पर कम और मिटिगेशन यानी इलाज पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आर नॉट यानी संक्रमण बढ़ने को लेकर रिप्रोडक्शन रेट 1.2 है। ईद के मौके पर छूट वगैरह मामलों में तेजी की अहम वजह है। अगले 1-2 दिनों में गृह मंत्रालय केरल और महाराष्ट्र के बढ़ते मामलों को लेकर बैठक करने जा रहा है। दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, इन सबों में, क्योंकि सीरो सर्वे रिपोर्ट हमारे बताते हैं मुंबई कि बेटर ज्यादा इन्फेक्शन हो गया था, इन्फेक्शन की गलती। केरला का जितने सीरो सर्वे हुए हैं ये बताते हैं कि अभी वहाँ एक अच्छा खासा पॉपुलेशन जो है ससेप्टेबल है, और जब तक पॉपुलेशन ससेप्टेबल रहेगा तब तक इन्फेक्शन होता रहेगा। अभी फिलहाल देश के 55 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। इसमें केरल, महाराष्ट्र और उत्तर पूर्व के 22 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 4 हफ्तों से लगातार मामलों में
बढ़ोतरी का ट्रेंड ही देखा गया है। चिंता खत्म नहीं हुई है, चुनौती अब भी बढ़ी हुई है। ऐसे में लापरवाह रवैया फिर से खतरे को बढ़ा सकती है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की खबर है, हालांकि इसे किसी के जानमाल का नुकसान अभी नहीं बताया जा रहा है। अभी वहां कोई यात्री भी नहीं है और SDRF की दो टीमें वहां पर तैनात थी। और हमारी सहयोगी नीता शर्मा हमारे साथ है। नीता, क्या जानकारी मिल रही है इस बारे में? और निधि, ये जो क्लाउड बर्स्ट है, जो एकदम गुफा की जो सीढ़ियां जहां से शुरू होती हैं, जहां पे बेस है गुफा का, ये वहां पर ही क्लाउड बर्स्ट हुआ है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की के लिए कैंप बनाए जाते हैं जो बेस ऑफ द गुफा में, ये वो कैंप है, ये वहां पर क्लाउड बर्स्ट हुआ है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि किसी ने जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पे यात्रा जो है वो चालू नहीं थी, यात्रा कोविड के कारण बंद थी। लेकिन सिक्योरिटी पर्सनल जो हैं वो यहां पर पोस्टेड होते हैं, उनके बारे में भी जानकारी हासिल करना बाकी है। जो फोर्सेज हैं वो अपने बीच में जो जानकारी है वो हासिल कर रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर में ही आज ये दूसरा हादसा है निधि। इससे पहले किश्तवाड़ में भी सुबह जो है क्लाउड बर्स्ट हुआ था, वो एक गाँव है हुंजर करके, वहां पर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में वहां पर हुआ था। उसमें बताया जाता है कि जो 17 लोग हैं उन्हें इंजरी हुई थी, और अभी 17 लोग उनमें से अभी गायब भी बताए जा रहे हैं। लेकिन इसमें भी जरूर, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि जो सिक्योरिटी कैंप था उनमें लोग दिखाई पड़ रहे हैं, तो उनमें कितने अभी कुछ अगर क्षति पहुंची है या नहीं पहुंची है उसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। लेकिन ये बेस ऑफ द केव है जहाँ से लोग यात्रा चढ़ाई शुरू करते हैं केव के लिए, जहाँ पर सीढ़ियां जो है वो शुरू होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीरों में साफ वो जगह दिख रही है। और यहाँ पर अगर नीता आपको याद हो, सिक्योरिटी के पर्सनल्स भी रहते हैं, जो लोग पूजा अर्चना में पंडित होते हैं वो भी वहीं पे रहते हैं, और कई लोग जो मदद करते हैं यात्रियों की, हालांकि फिलहाल अभी यात्रा रुकी हुई है, उस लिहाज से क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही है कि कितने लोग होंगे वहां पर सुरक्षा बलों के अलावा? अभी तक जो सुरक्षा बल, जो CRPF है और जो जम्मू कश्मीर पुलिस है और आर्मी, ये तीन फोर्सेस जो हैं वो ही तैनात रहती हैं यहाँ पर। तो अभी CRPF की तरह से बोला जा रहा है कि अभी तक तो कोई कैजुअलिटी की खबर उन तक पहुंची नहीं है, लेकिन इस इलाके में जो है सबको चेतावनी दी जा रही है। और ये बोला गया है कि आने वाले कुछ घंटों में काफी बारिश होगी, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जिसके कारण जो गुंड और कंगन के इलाके हैं वो लोग जो हैं, जो उनके आसपास जो नदी है सिंध, उसमें जो है वो पानी ज्यादा भर सकता है। इसलिए ये जो विलेजेस हैं गुंड और कंगन के आसपास जो विलेजेस हैं, वो लोग जो हैं वो पानी के पास फिलहाल ना जाएं। तो इस तरह की जो वार्निंग्स हैं वो स्थानीय प्रशासन अभी दे रहा है। निधि, बिल्कुल नीता, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें और जानकारी आपसे लेते रहेंगे, और यही उम्मीद कर सकते हैं कि जान का नुकसान ना यहाँ पर हुआ हो। यहाँ पर जिस तरह से अमरनाथ जी की गुफा के बाहर एक बादल फटा है, फिलहाल यहाँ पर सुरक्षा बल ही तैनात है। राहत की बात यह है कि यहाँ पे यात्रा अभी कोरोना के कारण रुकी हुई थी। और देश की बात में आ गया, बाराबंकी का दर्दनाक हादसा हुआ है, 18 मरीजों की गई है जान। एक रिपोर्ट दिखाई। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी अयोध्या बॉर्डर पर बीती रात एक ट्रक ने सड़क पर सो रहे मजदूरों को कुचल दिया। हादसे में 18 मजदूरों की मौत हो गई और करीब 2 दर्जन से ज्यादा जख्मी हो गए। पंजाब से बिहार जा रहे इनकी बस खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वे सड़क पर सो रहे थे। यह नजारा दिल दहलाने वाला है। खराब खड़ी बस के नीचे और आगे सो रहे सारे मजदूर कुचल गए। एम्बुलेंस से अस्पताल गए तो पता चला कि 18 मर चुके हैं। बस में सवार लोटन सदा बताते हैं कि बस में गर्मी लगने पे मजदूर सड़क पे सो गए थे, लेकिन ट्रक ने बस में पीछे से टक्कर मारी तो बस आगे सो रहे सारे मजदूरों को कुचलती चली गई। चलाने लग गया था, हम लोग दौड़ा तो देखता है 10-15 को नीचे घसते हुए, टायर के नीचे हुए तो घिसते हुए गया, तो किसी के पेट खत्म हो गया, घोटी निकल गया, वो कुछ के इस चढ़ गया, कुछ इस पर चढ़ गया, ऐसे चढ़ गया, ऐसे हुआ। कल्याणी नदी के इस पुल के ऊपर जहाँ पुलिस की गाड़ी खड़ी है, यहाँ बस खराब होके खड़ी हुई थी, और बस के सामने थके हुए मजदूर जो तकरीबन 1000 किलोमीटर का सफर कर चुके थे, यहाँ सो गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सामने से कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा है, यहाँ वो महफूज रहेंगे। लेकिन उनके जिस्म तो चले गए, पैरों की चप्पलें सिर्फ यहाँ पे बची हुई हैं।
NH28 पे ये वे चप्पलें हैं जिन्हें पहनने वाले जिस्म अब इस दुनिया में नहीं रहे। चप्पलें भी उन्हें पहनने वाले की हैसियत बताती हैं और कुछ चप्पलों के छेद बताते हैं कि उन्हें पहनने वाला कितना पैदल चल चुका होगा और क्यों दूसरी चप्पल नहीं खरीद सका होगा। एक्सीडेंट के बाद वहां से गुजरती गाड़ी वाले रुकने को तैयार नहीं थे। बस में सवार मजदूर सीमा बताती हैं कि वो मदद के लिए गाड़ी कैसे रुकवा सकी। हम लोग ने तो इतना बोला कि गाड़ी कोई लिफ्ट नहीं देगा, कोई रुकेगा भी नहीं, तो लास्ट बिछा देना आगे, तो यही करके गाड़ी रुक गया था, तब हम लोग को मदद मिला वहां से। बचे हुए मजदूर यहां जमा हैं जिन्हें सरकार अपनी बसों से घर भिजवा रही है। ज्यादातर 300-350 रुपए रोज की मजदूरी के लिए बिहार से अपने गांव से 1700-1800 किलोमीटर दूर पंजाब गए थे। सीतामढ़ी के सुजीत 25 साल के हैं। इनका पैर भी ट्रक के नीचे आ गया था लेकिन जान बच गई। ये बताइए, आपके सामने एक्सीडेंट हो गया, इतने लोग मर गए, इतने लोग अस्पताल पहुंच गए, तो क्या आप दोबारा से फिर जाएंगे उतनी दूर काम करने इसी तरह? सर ऐसे नहीं जाएंगे तो हमारा बाल बच्चा कहाँ से खाएगा, जाना तो पड़ेगा। उधर कोई साधन नहीं है? साधन नहीं है सर। इन मजदूरों की मदद करने वाले सोनी कहते हैं कि ट्रक ड्राइवर नशे में था जो भाग गया। खड़ी गाड़ी में इंडिकेट जल रहा था और उसके बाद पीछे से ठोका और नशे के हालत में ही उसने ठोका और आदमी को रौंदते हुए बस आगे चल गया। पिछले लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों का हुजूम जब सड़कों पे निकला तब अंदाज हुआ कि इस मुल्क में कितने लोग मामूली सी कमाई के लिए अपने घर से हजारों मील दूर बेवतनी में दिन गुजारते हैं। उनमें से ना जाने कितने घर के रास्ते में मर गए। ये वे लोग हैं जिनके लिए कहा गया है कि मौत ने तो धर दबोचा एक चीते की तरह, जिंदगी ने जब छुआ कुछ फासला रख कर छुआ। बाराबंकी और अयोध्या में राजेश गुप्ता और सरफराज के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। और देश की बात में आगे, सरकार के करीबी अधिकारी रिटायर होने से कुछ दिन पहले बनाए गए पुलिस कमिश्नर। 1984 बैच के गुजरात काडर के IPS ऑफिसर राकेश अस्थाना ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर का पदभार संभाल लिया है। हालांकि उनका नाम कई बार विवादों में भी रहा, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का करीबी माना जाता है, इसलिए यह भी माना जा रहा है कि इसी वजह से कई IPS अफसरों को दरकिनार कर राकेश अस्थाना को रिटायर होने से ठीक 3 दिन पहले ये अहम पद दिया गया। उन्नीस बैच के गुजरात कैडर के IPS अफसर राकेश अस्थाना जब दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंची तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देने के अलावा खामोशी के साथ ये गुलदस्ता भेंट किया गया। पद संभालते ही अस्थाना ने कहा कि उनका पहला मकसद अपराध को काबू करना रहेगा। अस्थाना दिल्ली पुलिस के 23वें कमिश्नर हैं। मैंने आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर का चार्ज लिया है। पुलिस का बेसिक फंक्शन होता है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। तो हमारा फोकस मोस्टली बेसिक पुलिसिंग पे रहेगा और मेरी जहां तक समझ है अगर हम ये काम बखूबी करेंगे तो जनता को संतुष्टि रहेगी और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। बाकी जो स्पेशलाइज प्रॉब्लम्स हैं उनको हम अकॉर्डिंगली एज पर दी SOP हैंडल करेंगे। इससे पहले मंगलवार रात जब गृह मंत्रालय ने अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाने का आदेश जारी किया तो हर कोई हैरान रह गया। पुलिस मुख्यालय में भी इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई। दरअसल राकेश अस्थाना इसी 31 जुलाई को BSF DG के पद से रिटायर हो रहे थे, लेकिन मंगलवार रात को उन्हें अचानक न सिर्फ 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया बल्कि गुजरात कैडर से AG MUT कैडर में डेपुटेशन पर भेज दिया गया और दिल्ली पुलिस कमिश्नर बना दिया गया, जो पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जबकि 27 दिन पहले एक्टिंग CP बनाए गए बालाजी श्रीवास्तव को पद से हटा दिया गया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की दौर में चल रहे 1987 बैच के IPS अफसर सत्येंद्र गर्ग और ताज हसन को दरकिनार कर दिया गया। अस्थाना का नाम विवादों में तब रहा
जब सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर रहने के दौरान उनका सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा से विवाद हो गया और मीट कारोबारी मोइन कुरैशी से रिश्वत लेने के आरोप में अस्थाना पर केस दर्ज हुआ। स्टर्लिंग बायोटेक मामले में भी अस्थाना पर रिश्वत लेने के आरोप लगे। इसके बाद आलोक वर्मा और अस्थाना दोनों को सीबीआई से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब अस्थाना सूरत और बड़ोदरा में कमिश्नर रहे। गोधरा कांड की जांच, सीबीआई में रहते चारा घोटाले की जांच, एनसीबी में रहकर सुशांत सिंह ड्रग्स मामले की जांच में अस्थाना की अहम भूमिका रही। बहरहाल कई विवादों के बीच राकेश अस्थाना ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर का पदभार संभाल लिया है। अब देखना होगा कि आगे आने वाली चुनौतियों को वो किस तरह संभालते हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन पवन कुमार के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और इसी खबर के साथ आज देश की बात में इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।